हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं बी फार्मा में, डी फार्मा में या तो बी फार्मा लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, तो आपके लिए BDA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में, साथ ही साथ उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में और वहाँ पर आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपके हर एक डाउट क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, जिनको नाम पता उनको मैं बता दूं यहाँ पे कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो 2015 से पहले, यानी कि 2015 से पहले यहाँ पर जो नाम था वो था उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आप लोगों का नाम काफ़ी सुना होगा UPTU का, ठीक है। तो पहले जिसका नाम था वो था उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अब जो इसका नाम हुआ वो हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब काफ़ी सारे बच्चे परेशान हुए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या तो ये गवर्नमेंट है। तो देखिए जी हाँ, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट जो कि यूपी में पढ़ता है। अब देखिए यूपी में किस जगह पड़ता है, इसकी हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये पड़ता है लखनऊ। कहाँ पड़ता है? ये लखनऊ में पड़ता है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं मेन कैंपस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोर्स कौन कौन से ऑफर कर रहा है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर बेसिकली तीन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी? डी फार्मा, बी फार्मा और बी फार्मा लेटरल एंट्री। बी फार्मा लेटरल एंट्री का मतलब होता है आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। सेकेंड ईयर में कैसे एडमिशन मिलता है? आप इसके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो होना चाहिए डी फार्मा आपका कम्प्लीट होना चाहिए। अगर आपका डी फार्मा कम्प्लीट है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल हो। चलिए, ये तो बात हो गई कि आखिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में और कोर्स कौन कौन से ऑफर कर रहा है इसके बारे में। अब काफ़ी सारे बच्चों का ये कमेंट है कि आखिर यहाँ पर हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है। तो ऑफिशियल साइट में देखो, इन्होंने एडमिशन के रिगार्डिंग एक ब्रोशर पब्लिश किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि इस बार एडमिशन जो होगा CUET के थ्रू होगा। किसके थ्रू? CUET के थ्रू। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा। किसका? CUET का एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या आपको क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है CUET के बारे में और वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और साथ ही साथ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप लोग को पहले पूरा उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना है और तब जाके आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर फॉर्म फिल करते वक्त आप लोगों ने डोमेन सब्जेक्ट गलत डाल दिया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो फॉर्म फिलअप के लेकर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल हैं। तो देखो, आपके जो है 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आप लोग अपीयरिंग में हो तभी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है 45% मार्क्स आपके आने चाहिए। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कि 12th में 45% से ऊपर आ गए हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो, आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो आपके पास होने चाहिए PCM अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। यानी कि अगर आप बी फार्मा में एंट्री लेना चाहते हो या तो डी फार्मा में, तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, आपके पास सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास PCB होना चाहिए यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या तो PCM होना चाहिए अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो आपका यहाँ पर ईजिली एडमिशन हो जाएगा। अब चलो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में कि यहाँ पर जो है वो फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए, फीस स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर जो है वो 63,300 रुपये पर ईयर है, ठीक है। 63,300, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, यानी कि जो UP के निवासी हैं, उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होता है। और स्कॉलरशिप आपको बी फार्मा में जो होता है मिलता है वो 40+, यानी कि 40,000 से ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर आप लोग मेन कैंपस में एडमिशन ले रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एडवांटेज कि आपको फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर कम है और साथ ही साथ आपको 40,000 रुपये के समथिंग आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है। और देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है,
तो लेटरल एंट्री के थ्रू अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट होने चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो जनरल स्टडी से पूछा जाएगा। किसके? जनरल स्टडी से। तो आपका जो जनरल स्टडी है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए तभी आप लोग यहाँ पर एडमिशन पा सकते हो बी फार्मा लेटरल एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग फॉर्म को फिल करते हो तो आपको जनरल ही उसमें चूज करना, जैसे आप लोग फॉर्म का सेक्शन क्राइटेरिया जो आता है आप लोग उसे फिल करते हो तो आप लोग को जनरल सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मैंने पुट अप कर दिया है जहाँ से आप लोग पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। और देखिए ये वेबसाइट है pharmaviewonline.com, यहाँ पर आपको सारी के सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है एडमिशन से रिलेटेड फार्मेसी में। ठीक है, तो आप लोग और भी यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग आकर के यहाँ पर साइट विजिट कर सकते हो। साइट पे अपडेशन चल रहा है अभी, साथ ही साथ सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट होते रहेंगे। तो ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग जाओ और CUET का फॉर्म फिल कर दो। बाकी जैसे इसके पूरी की पूरी डिटेल जो आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। यहाँ पर देखो इस चैनल पर फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पर एडमिशन के रिलेटेड जानकारी आपको दी जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बताइए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आखिर आप लोग नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन से चाहते हैं जिसके बारे में रिव्यू लेके आऊँ और साथ ही साथ वहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो जिससे कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसे एक शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।